हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग 10th क्लास के मैथ से रिलेटेड फॉर्मूला जो है उस पर ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे हम लोग। और ये जो फॉर्मूले हैं आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में दिए जाएंगे। जहाँ तक है आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप सही बताएंगे इसका आंसर, और नहीं अगर याद होगा तो आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपके पास वो है अल्फा प्लस बीटा बराबर वन। आपको बताना है, ऑप्शन आपके पास है बी बाई ए, और फिर बी ऑप्शन आपके पास है सी बाई ए, और डी ऑप्शन आपके पास है सी ऑप्शन आपके पास है माइनस बी बाई ए, और डी ऑप्शन जो है आपके पास एक जो डी ऑप्शन है वह आपको दिया गया है डी बाई ए। ठीक, तो आपको यहां बताना है क्या कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या। तो अल्फा प्लस बीटा है क्या चीज, ये समझ गए हम जानते हैं क्या कि कोई भी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, और किसी भी द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो दो होते हैं, और उसी शून्यक को हम लोग क्या अल्फा और बीटा के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो अगर इसके शून्यक अल्फा और बीटा होंगे, ठीक, तो इनका योगफल जो होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर वह होता है माइनस बी बाई ए के बराबर। अगर योगफल हो जो बोलेगा तो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ बी का मान दिया गया है और ये ए का मान दिया गया है, इसी के बराबर होता है क्या आपका शून्यकों का योगफल। इसलिए आपका आंसर जो होना चाहिए वो आपका सी नंबर राइट नंबर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो अल्फा इंटू बीटा बराबर वन। ऑप्शन आपके पास है, ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन है आपके पास सी बाई ए, बी ऑप्शन आपके पास है माइनस बी बाई ए, और सी ऑप्शन आपके पास है बी बाई ए। ठीक, और डी जो है इसमें दिया गया है नन ऑफ दिस, अर्थात कोई नहीं। आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपको बताना है, याद रखिएगा क्योंकि मैंने बताया भी आपको कि द्विघात बहुपद जो होता है वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, और इसके शून्यक जो होते हैं वो अल्फा इंटू बीटा होते हैं, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अगर योगफल पूछेगा, यदि योगफल पूछे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। इससे पहले वाले में जो ऑब्जेक्टिव था वो इस टाइप का। अब आपसे पूछे कि गुणनफल क्या होता है, तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए याद रखिएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है वो सी और ए का अनुपात होता है। ठीक, तो ये आपको कहां पर दिख रहा है ऐसा ऑप्शन, तो देखिए सी बाई ए, तो सी बाई ए इसमें कहीं नहीं है, अर्थात इसमें आपका जो आंसर होगा कोई नहीं होगा, ये राइट आंसर। ठीक, तो फिर से बस समझ जाइए कि द्विघात बहुपद कह दे या द्विघात समीकरण कह दे, उसके शून्यकों का योगफल जो होता है वह माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, और गुणनफल जो होता है वो सी बाई ए के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, आपको ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछ सकता है कि शून्यकों का योगफल होता है, आपको इस तरह से अल्फा इंटू बीटा ना देकर बोल देगा शून्यकों का गुणनफल होता है और ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो उस समय आपको याद रखना होगा कि शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो सी बाई ए के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है तो माइनस बी बाई ए, ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव है आपके। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि द्विघात बहुपद बराबर, ऑप्शन आपके पास है, बोल रहे थे द्विघात बहुपद बराबर होता है। ठीक है, आपको बताना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। नेक्स्ट है आपके पास क्या, बी ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। सी ऑप्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सी ऑप्शन आपके पास है कोई नहीं, कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा देखिए, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि यदि आपको मूलों का योगफल दिया गया, मूलों का योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो उस समय इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो होगा उपयोग करने पर द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाए। तो देखिए जब आपको अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल पता हो दिया गया हो और अल्फा इंटू बीटा दिया गया हो, अगर ये दोनों पता है तो आपका बहुपद बराबर पी एक्स बराबर जो होता है ठीक है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। इसलिए आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए और सही आंसर आपका यही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा ठीक है बराबर होता है, आपको बताना है ए बराबर दिया हुआ है माइनस बी बाई ए ठीक, बी बराबर दिया गया है सी बाई ए और सी बराबर दिया गया है आपको माइनस डी बाई ए और डी बराबर है आपको कोई नहीं, कोई नहीं ठीक। तो देखिए मूलों का योग यहां पर देगा क्या, मूलों के गुणनफलों का योगफल जो होता है ठीक है, तो ये त्रिघात बहुपद से संबंधित क्या है आपका सूत्र है। तो त्रिघात बहुपद जो होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा ए क्यू प्लस में ठीक है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जो है ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। और जब भी अगर आपको त्रिघात बहुपद से संबंध आपको पूछेगा कि मूलों के गुणनफलों का योगफल क्या होता है ठीक है, तो उस समय याद रखिएगा यह सी बाई ए के बराबर होता है, क्या होगा आपका यह सी बाई ए के बराबर होता है। इसलिए आपका ऑप्शन जो है इसमें बी नंबर दिया गया है वही आपका राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा, यहाँ पर बीटा और फिर है क्या आपका है गामा ठीक प्लस गामा इंटू अल्फा जो है आपका क्या होता है वो सी बाई ए के बराबर होता है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा सी बाई ए होगा ठीक। इसलिए आपका जो है आप यहाँ पर बी ऑप्शन सही टिक करेंगे और यही आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है आपको, दिया गया है नेक्स्ट ए वन बटा में ए टू ठीक नॉट इक्वल टू बी वन बटा में बी टू ठीक। तो क्या इस क्या बोल रहा है इसमें देखते हैं पहले कि प्रतिच्छेदी, पहला ऑप्शन दिया आपको प्रतिच्छेदी, बी संपाती ठीक, सी सी क्या दिया है समांतर और डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है कोई नहीं, कोई नहीं। ये जानते हैं ये जो है आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित है, दो चर वाले जब रैखिक समीकरण दिया जाएगा तो सबसे पहले हमको व्यापक रूप पता होना चाहिए दो चर वाले रैखिक समीकरणों का। तो सबसे पहले पहला समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन ठीक है बराबर जीरो, और दूसरा क्या होता है ए एक्स ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर में जीरो, ये रहता है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण है ठीक। तो बोल रहा है कि इन दोनों समीकरणों को जब हल किया जाता है, यदि आपका ए वन बटा में ए टू बराबर बी वन बटा में बी टू अर्थात ये बराबर नहीं रहता है तो उस समय जो आपका आंसर होता है वो सही क्या होगा, अर्थात उस समय जो ग्राफ पड़ता है उस समय ग्राफ कैसा होता है। याद रखना जब ए वन बटा में ए टू बराबर बी वन बटा में बी टू जब आपस में बराबर नहीं होते तो जब उनका ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ एक दूसरे को कट करता है, कट करता है अर्थात वो क्या करता है प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा ठीक है प्रतिच्छेदी होगा। तो आप कहेंगे सर जब बराबर होता है तो क्या होगा, तो चलिए उसको भी ऑब्जेक्टिव की तरह मान लेते हैं, उसको भी क्या होगा उसका आंसर ठीक है समझ लेते हैं क्या है। देखिएगा
इसको हम दे चुके हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास बोल रहा है कि समांतर रेखाएं कब होंगी। ठीक, आपके पास ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2। ठीक, फिर बी ऑप्शन आपको दिया गया है A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा में C2। ठीक, और उसके बाद सी ऑप्शन है A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2। ठीक, और डी ऑप्शन जो है आपको दिया गया है कोई नहीं, आपका ऑप्शन है क्या, कोई नहीं। तो बताना आपको इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मैंने अभी आपको इससे पहले वाले बताया था कि प्रतिच्छेदी होता है, प्रतिच्छेदी होने के लिए क्या अर्थात नॉट इक्वल टू A1 बटा में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा में B2, इसका मतलब ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक, ये और ये इन दोनों का देखते हैं। तो जब A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा में C2 होगा, ठीक है, उस स्थिति में क्या होते हैं, जो ग्राफ जो होते हैं, जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक दूसरे के समानांतर होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे के समानांतर। उस हिसाब से आपका जो राइट आंसर है वो बी है। तो आप कहेगा सर क्या ये जब तीनों बराबर रहेंगे तब क्या होगा, तो उस स्थिति में जब ग्राफ खींचोगे तो पहले समीकरण का भी ग्राफ ठीक इस तरह से और दूसरा समीकरण का भी ग्राफ जो होगा वो इसी समीकरण के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और उस स्थिति को बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती। तो मतलब प्रतिच्छेदी कब होगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो प्रतिच्छेदी होने का शर्त क्या है, तो क्या बोलेंगे A1 बटा में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा में B2, क्या होगा उस समय, प्रतिच्छेदी होगा, अर्थात जब हम ग्राफ खींचेंगे तो वह ग्राफ एक दूसरे को क्या करेगा, कट करेगा, प्रतिच्छेदी करेगा। ठीक, जब A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटा में C2 हो जाए तो उस स्थिति में उनके जो समीकरण के जो ग्राफ होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, समानांतर रहेंगे, एक दूसरे के क्या रहेंगे, समानांतर। ठीक, और जब क्या तीनों बराबर हो जाए तो याद रखना पहले समीकरण का ग्राफ दूसरे समीकरण के ग्राफ के ऊपर क्या हो जाते हैं, संपाती हो जाते हैं और वो क्या होते हैं, संपाती कहलाते हैं। कैसे ग्राफ कहलाते हैं, वो संपाती ग्राफ कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तो आपसे अभी आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोगों को उसी को जवाब देना होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसी से रिलेटेड पूछ रहे हैं। ठीक, तो बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2। ठीक, कितने हल होंगे। ऑप्शन आपके पास, ठीक, जवाब देना होगा, केवल एक। बी ऑप्शन है आपके पास कोई हल नहीं। ठीक, सी ऑप्शन आपके पास है अनेक हल, और डी ऑप्शन तो आप लोग जानते ही हैं इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसमें से क्या होगा राइट आंसर, देखिए A1 बटा में A2 B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2 जो है तीनों आपस में बराबर है, और मैंने बताया था कि जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तो क्या होता है बाबू, वह एक दूसरे के ऊपर संपातित हो जाते हैं, अर्थात जब उनमें हम लोग x और y का मान निकालेंगे तो वो क्या निकलेंगे, अपरिमित रूप से अनेक निकलेगा, क्या निकलेगा, अनेक। ठीक है, इसका मतलब आपका आंसर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, ठीक है, सी होना चाहिए, अनेक हल। तो कोई नहीं कम नहीं होता, जब समीकरण एक दूसरे के समानांतर होती है, जब समीकरण का जो ग्राफ होगा एक दूसरे के समानांतर होती है तो समानांतर होने का शर्त अभी बताया था मैंने, ठीक है, क्या था समानांतर होने का सर, A1 बटा में A2 बराबर क्या था, B1 बटा में B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा में C2। और ठीक है, इस स्थिति में देखो ग्राफ का जो आपका हल होगा, ग्राफ नहीं पूछ रहा आपको, हल पूछ रहा है,
इस स्थिति में कोई हल नहीं हो, क्योंकि जब वो एक दूसरे को काट ही नहीं रहा तो एक्स और वाई का मान कैसे निकालेंगे, फाइंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। फिर तो ये सर, तो ये बताइए कब हल होता है? तो हल देखो क्या होगा, जब दो समीकरणों को, दो समीकरण का, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का योग जम a1 बटा में a2 और b1 बटा में b2 जब एक दूसरे के बराबर नहीं रहेंगे, ठीक है, a1 बटा में a2 और b1 बटा में b2 जब एक दूसरे के बराबर नहीं रहेंगे, तो उस समय उस समीकरण का हल होगा। अर्थात एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, और प्रतिच्छेद करेगा तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वहां पर बताइए x का वैल्यू और y का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है, और वो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अर्थात वो उसका हल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो याद रखना जब क्या होगा a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2, अगर ग्राफ का हल पूछे तो बोलेंगे कि प्रतिच्छेदी होगा, क्या होगा, प्रतिच्छेदी। अगर आपका बीजगणितीय हल पूछे तो क्या बोलेंगे भाई, तो बीजगणितीय हल में आपको कहेंगे क्या, उसका अद्वितीय हल होगा, क्या होगा, उसका अद्वितीय हल होगा, ठीक। और जब बोलेंगे क्या आपको कि जब तीनों अगर बराबर हो जाए तो अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से इसके अनेक हल, और ग्राफ कैसा होगा तो संपाती होगा, क्या होगा, संपाती। और कोई हल के लिए नहीं होगा तो क्या, कोई हल के लिए क्या होंगे, उस समय a1 बटा में a2 b1 बटा में b2 बराबर होगा, लेकिन c1 बटा में c2 बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, दे रहा है क्या, समांतर समांतर श्रेणी में, ठीक है, समांतर श्रेणी में an बराबर, ठीक है, an बराबर होता है, ठीक, an बराबर होता है। तो सबसे पहले देखिए समांतर श्रेणी होता क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कोई भी सीरीज जिसमें क्या, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, ठीक है, डैश डैश डैश, ये एक सीरीज है, इसको एपी कहते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कैसे है ये, तो देखो अगर प्रत्येक पिछले पद में से अगले पद को घटाने पर संख्या समान आ जाए, ठीक, घटा के देखिए दो, घटा के देखिए दो, सबसे सब दो दो आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। लेकिन अगर ऐसे रहता 2, 4, ठीक है, उसके बाद आके आपके पास 7 और 7 के बाद आके आपके पास 9, घटा के देखिए पहले पिछले पद से घटाएंगे तो 2, इधर से घटाएंगे तो कितना आ गया ये 3, ठीक, और फिर इसमें से घटा दिया तो कितना आ गया 2। ये आपस में बराबर है नहीं, ये बराबर आपस में नहीं, बराबर आपस में नहीं है, इसका मतलब क्या, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो याद रखना प्रत्येक पिछले पद में से अगले पद को घटाने पर, प्रत्येक पिछले पद में से घटाने पर जब सबके मान बराबर आते हैं तो वह जो सीरीज होती है वह समांतर श्रेणी में होता है। किसमें होता है, वो समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी में पूछ रहा है ना कि किस फॉर्मूला का यूज, बोल देगा आपको ना कि दसवां पद, इसके दसवें पद पर कौन सा आएगा, आठवें पद पर कौन सा आएगा, बारहवें पद पर कौन सा आएगा, तो उसी को कहते हैं एनवा पद। एनवा पद का मतलब इसकी जो टर्म है वो कितना नंबर पर, अर्थात आपको पूछेगा दसवां नंबर पे, अर्थात दसवें नंबर पे कौन कौन सा मान आएगा, आठवें नंबर पे कौन सा मान आएगा, एन का मान दे देगा तो, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या करना है, आपको किस फॉर्मूला का यूज करना है, आपको ये बताया गया है, इसलिए आप लोग इसका आंसर, सही आंसर जो होगा आप लोग बताएंगे, ठीक, अगर आपको आता है तो कॉमेंट जरूर कीजिए, ठीक। ए प्लस, ठीक है, एन प्लस वन इंटू डी, ठीक, ये पहला ऑप्शन है। बी बराबर आपके पास है ए माइनस एन माइनस, ठीक है, इंटू डी, और सी ऑप्शन जो है आपके पास वो है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक, और आपके पास डी ऑप्शन जो है वो है आपके पास ए प्लस, ठीक है, एन प्लस वन इंटू इंटू माइनस डी। तो राइट आंसर क्या होगा, ठीक, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर, ठीक, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, नहीं तो फिर हम इसका बताते हैं आपको राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए एन बराबर हम जानते हैं क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एपी दिया गया है 2, 4, 6 और डैश डैश डैश, इसका दसवां पद पूछते हैं, क्या पूछते हैं इसका कि दसवां पद क्या होगा, तो दसवां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे लोग, ए टेन बराबर, ठीक है, ए का वैल्यू कितना दिया गया है 2 प्लस दसवां पद पूछ रहा है, दस रखते हैं यहाँ पर माइनस ए, और डी पूछ रहा है, तो डी क्या कहते हैं, डी किसे कहते हैं, तो याद रखना पिछले पद में से अगले पद को घटाने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे हम लोग डी का वैल्यू कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। तो बताइए 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे, बताइए 2 प्लस 10 में से घटाएंगे कितना हो गया 9 गुणे 2, तो 2 प्लस 9 18, अर्थात क्या हो जाएगा आपका 18 2
20, बताइए जब ये दो का दो है तो दो का बारह है, दो का दो दो चार दो छह, तो दसवां नंबर पे क्या आता है दो दामे, बताइए 20 आएगा कि नहीं आएगा। इससे हम निकाल सकते हैं आसानी से, ये फंदा है क्या आपका एन का पद कहते हैं। बोलेगा कि दो के पारे पे सवा नंबर पे कौन सा आएगा, पचासवा नंबर पे कौन सा आएगा, अठारह नंबर पे कौन सा आएगा, तो हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं हम लोग निकाल, कोई भी आपको समांतर श्रेणी दे देगा, तो इस तरीके से हम लोग क्या उसका दसवां पद, बारहवा पद, अठारहवा पद, हजारवा पद, लाखवा पद कुछ भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। इसके लिए इसका आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, देखिए सही करेक्ट आंसर कौन सा दिख रहा है इसका, ए प्लस क्या देख रहा है, ए प्लस एन माइनस ए प्लस दे दिया, इसका मतलब ये तो गलती हो जाएगा, ए माइनस ये भी गलती हो जाएगा, या देखिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये सही है, ये तो गलत होगा क्यों, क्योंकि तो माइनस है, इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा सी, क्या होगा सी, ठीक। अब अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि समानांतर श्रेणी में एन पदों का योगफल क्या होता है, अर्थात एपी में, ठीक है एपी में एन पदों का योग, एन पदों का योग बराबर फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है कि एन पदों का योगफल क्या होता है, अर्थात एस एन बराबर ए ऑप्शन दे दिया गया है, तो एन बाई टू ठीक है इनटू ए प्लस एल, अर्थात ए एन भी कर सकते हैं तुम लोग, ठीक। बी ऑप्शन आपके पास एस एन बराबर ठीक दिया है क्या, एन बाई टू ठीक, फिर क्या हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ठीक है, उसके बाद आपका सी ऑप्शन जो है वो दिया गया है क्या दोनों, क्या होगा दोनों, और उसके बाद फिर डी ऑप्शन जो है आपका दे रहा है क्या कोई नहीं, कोई नहीं, तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा, ठीक है याद रखिएगा। योगफल ज्ञात करने के लिए हम लोग कोई भी एपी हो अगर उसमें आपको देखो अगर अंतिम पद दिया हुआ है ए एन पद आपको दे दिया गया है तो हम लोग उसका हम लोग इस वाले फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अंतिम पद नहीं दिया है तब आप लोग क्या करेंगे इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक। तो ये दोनों के दोनों आंसर आपके सही हैं, अर्थात एपी के एन पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन का भी प्रयोग कर सकते हैं, या एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग कब करेंगे जब आपको ए एन नहीं दिया रहेगा तब, ठीक है। हम इसलिए आपको एस एन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो दोनों होता है, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी नंबर, क्या नंबर होगा सी नंबर, क्योंकि दोनों दे दिया गया है इसलिए आपका आंसर जो होगा सी, क्योंकि दोनों के दोनों फॉर्मूले होते हैं, ठीक। चलिए हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, दे रहा है क्या कि साइन 90 डिग्री बराबर होता है, साइन 90 डिग्री बराबर होता है, ऑप्शन आपको दे दिया गया है 1, बी ऑप्शन दे दिया गया है 0 ठीक है, सी ऑप्शन दिया गया है आपके पास 1 बाई टू, और डी ऑप्शन जो है वो दिया गया है 1 बाई अंडर रूट 2। तो आपको पूछ रहा है क्या, यह बताइए कि इसमें साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, ठीक। देखिए साइन 90 का वैल्यू मैंने बताया था आपको, साइन 90 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो त्रिकोणमिति होते हैं तो त्रिकोणमिति में हम लोग 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग 60 डिग्री का मान, और उसके बाद फिर 90 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 0 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, ठीक, और 30 का जो होता है 1/2 होता है, 45 का जो होता है वो क्या होता है आपका 1/√2 होता है, और 60 का जो होता है वो होता है √3/2 होता है, और जो 90 का होता है वो क्या होता है आपका 1 होता है।
ठीक, इसलिए आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वहां पर आपका ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ये त्रिकोणमिति में आपको साइन थीटा के 0 से लेके 90 तक का वैल्यू है। आप इसे ट्रिक के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ट्रिक से ज्ञात करेंगे? जैसे मान लीजिए आपको क्या एकदम याद रख लीजिए, 0 ठीक है, 0.1.2 ठीक है, और .3 ठीक, और इसके बाद लिखेंगे 4 और बटा में क्या 4 ठीक। तो 0 हो गया आपके 0 डिग्री के लिए, ये हो गया आपको 30 डिग्री के लिए, ये हो गया 45 डिग्री के लिए, और ये हो गया कितने के लिए 60, और ये हो गया क्या 90 के लिए। तो आपको दिमाग में ऐसा रखना है कि आपसे अगर पूछा जा रहा है क्या 30 का, तो 30 का क्या करेंगे, तो क्या कर देंगे 1/4 का वर्गमूल निकाल देंगे, बस 1/4 का। बताओ 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, और 4 का कितना हो जाएगा 2, इसका मतलब 30 डिग्री का वैल्यू मिला लीजिए, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे ना ठीक। इसी प्रकार मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 60 का बताइए, तो 60 का बताइए, तो बताइए 0 हो गया, पहले लिख देंगे 0, 30, 45, 60, इसका मतलब 3/3 में कितना हो जाएगा 4, वर्गमूल निकालेंगे तो 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलता, तो क्या हो जाएगा ये √3, लेकिन 4 का निकल जाएगा ना, 4 का निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2, इसका मतलब बताइए आपका सही आ रहा है कि नहीं। ठीक, और बताइए आपसे पूछा गया क्या था 90 का, तो 90 का जब पूछा गया था तो 90 बताइए 4/4 हो गया कि नहीं हो गया, तो जब आप 4/4 करोगे इस तरह से और जब कटा दोगे तो बचेगा अंदर में कितना 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, इसका बताइए राइट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, और वही जब पॉज करेगा तो हम लोग पीछे से लेके चलेंगे 0 ठीक, इस तरह से यहां से चलेंगे पीछे से, तो आपको कॉस का भी पता चल जाए। ठीक, अतः साइन का जस्ट उल्टा होता है क्या कॉस, अगर आपको कॉस, अगर आपको क्या बोले कि कॉस 90 का वैल्यू पूछ लेता आपको कि कॉस 90 का क्या होगा, तो सीधे आ जाते 0 पे, साइन के 0 से पूछते हैं। ठीक, क्योंकि जस्ट उल्टा होता है, अतः जो साइन 0 का वैल्यू होगा आपका ठीक वही कॉस 90 का वैल्यू कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाबू, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि आपसे कि tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक, ए ऑप्शन आपके पास दिया गया है 0, बी ऑप्शन जो है वह आपके पास है 1/√3, और सी ऑप्शन जो है वो दिया गया है 1, और डी ऑप्शन जो है वो दिया गया है √3। ठीक है, इसका ये देखिए इसका ले क्या होता है 60 डिग्री के लिए, मैंने बताया था 0 से लेके 0, फिर उसके बाद आया था 30, फिर आता है क्या बाबू 45, फिर 60, और फिर क्या आता है 90, आता है कि नहीं। ठीक, तो याद रखना साइन 0 का वैल्यू जो होता है वो टेन 0 का वैल्यू भी वही रहता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, और याद रखना 30 भी याद रखना 1/√3 होता है, क्या होता है 1/√3, और याद रखना जो 30 में 1/√3 था इसका ऊपर वाला जो अंश है वो 45 का हो जाएगा, और जो नीचे वाला है वो कितने का हो जाएगा 60 का। ठीक है, और 0 से किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें आंटी। ठीक है, ये हो गया आपको 10 का पूरा। ठीक, और 10 के आपसे पूछा क्या जा रहा था 60 का, तो बताइए 60 का वैल्यू क्या है यहां पर √3, इसका मतलब आपका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है वो डी नंबर आपका क्या होगा। ठीक है, और भाई आपको कॉट 0 पूछ देता तो क्या होता कॉट 0, तो यार ना 10 का उल्टा कॉट होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अनडिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाता इंडिफाइंड। ठीक है, कि कॉट जस्ट उल्टा होता है, कॉट 0 पूछ रहा है ना, तो 10 90, आपने 10 90 के पास चले जाओ और पूछो कि भाई कितना है तो अनडिफाइंड, इसका मतलब कॉट का मान कितना हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, लेकिन आप 1, 2, 3, 4 वाला जो था ट्रिक वो सिर्फ साइन पे लगता है और कॉस पे, ठीक है, इस पे नहीं लगेगा। हाँ, उसके लिए फॉर्मूला आपको निकालना होता है, ऐसे निकाल सकते हो कि tan थीटा बराबर sin थीटा और बटा में क्या हो जाएगा cos थीटा, इन दोनों का उपयोग करके हम मान निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है, मान लीजिए आपने tan 60 डिग्री ना, कैसे निकालते देखो tan 60 डिग्री, बताओ आपसे पूछा था कितना का tan 60 डिग्री पूछा था, sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, मैंने बताया था √3/2 होता है कि नहीं, और अगर cos थीटा का पूछ रहा है, ठीक है, cos 60 डिग्री का पूछ रहा है तो बताओ तो 30 के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे 30 के, तो sin 30 का वैल्यू कितना होता था 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया बताओ √3, आगे भी नहीं आ गया। तो हम लोग इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं tan का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको sin और cos ही पता होना चाहिए, sin और cos पता रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं ये वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है,
लक्ष्य बाबू कि पूछ रहा आपसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन दे रहा है वन, बी ऑप्शन आपके पास जीरो, सी ऑप्शन है आपके पास दो, ठीक है, और डी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं। क्या आंसर होगा, ठीक है, याद ना कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, हम लोग याद भी कर देते हैं हम लोग, ठीक। तो साइन थीटा जो होता है, याद रखना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा जो होता है वो लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, और कॉसेक जो होता है वो कर्ण बटा में क्या होता है लंब। तो बताओ लंब से लंब कैंसिल, कर्ण से कर्ण कैंसिल, तो कितना आएगा सॉल्यूशन करने में, बोलो बस। इसका मतलब आंसर क्या आ रहा है मेरा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर ने पढ़ा है लंब बटा में कर्ण, और कॉसेक बराबर क्या होता है, जब साइन का उल्टा हो जाता है यहां पर, तो कर्ण ऊपर और लंब नीचे। तो बताओ कर्ण कर्ण क्या किया, तो लंब लंब बचा, ठीक है, तो लंब लंब को भी काट देंगे हम लोग तीसरा चीज, तो क्या बच रहा है बाबू, इधर वन बचेगा इधर वन, तो वन में वन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक। चलिए अब इसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है। ए ऑप्शन क्या दे रहा है आपके पास, वन बटा में सेक थीटा, बी ऑप्शन दे रहा है आपके पास वन बटा में साइन थीटा, और सी ऑप्शन दे रहा है आपके पास बाबू वन बटा में कॉसेक थीटा, ठीक, और डी ऑप्शन बराबर दे रहा है क्या, वन बटा में कॉट थीटा, ठीक। आपको बोल रहा है कॉस थीटा बराबर होता है, आपने पढ़ा है कि कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा बराबर वन होता है, क्या होता है वन। तो मतलब आपको यहां बुरा में है, ये इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, अर्थात कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन बटा में सेक थीटा। और आपसे पूछ क्या रहा है, कॉस थीटा ना, और कॉस थीटा बराबर देख लीजिए क्या आ रहा है, सही आंसर कि नहीं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन क्या होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है क्या देखिएगा, वन, बी ऑप्शन है आपके पास माइनस वन, और सी ऑप्शन है आपके पास जीरो, और डी ऑप्शन है सभी, डी ऑप्शन है क्या सभी, ठीक है। आपको बताना है इसमें क्या होगा, तो याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है वन होता है, क्या होता है वन होता है, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन होता है, इसलिए आपका आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका सही आंसर, अब देखिए नेक्स्ट बोल रहा है क्या, ये याद रख लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। इसके और भी फॉर्मूले बन सकते हैं, कौन कौन सा बन जाएगा, देखिए तो आपसे कोई पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे कि भाई वन के बराबर होता है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बन गया कि नहीं बन गया, एक फॉर्मूला ये बन गया, ठीक। एक फॉर्मूला और क्या बन सकता है, आपसे पूछ देगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो वन माइनस क्या इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद एक और ऑप्शन एक और बन जाएगा, इस वाले को इधर अंडर रूट में कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर, बोलो ये इधर स्क्वायर में हो जाएगा तो अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कि नहीं। एक और फॉर्मूला बन सकता है, ये वाले स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर वन माइनस, ठीक है, अंडर रूट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आप एक फॉर्मूला याद कीजिए, बाकी सब फॉर्मूला तो फिर अपने से बना सकते हैं, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। अरे बोलेगा क्या इतना बराबर होता है, ठीक, तो आपको याद रखना वन कितना होता है वन, और ये वन करके आप बाकी 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 सबको क्या कर सकते हो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और याद कर सकते हैं चारों फॉर्मूले आपको, ठीक है, इस तरह याद कर सकते हैं, और इसमें कोई भी आपको दे देगा ऑप्शन में आसानी से मार सकते हैं। नेक्स्ट क्या है जान लेते हैं, नेक्स्ट है कि कॉस थीटा बराबर वन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक। वन बटा में सेक थीटा, बी ऑप्शन है आपके पास
cos थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा फिर दे रहा क्या बाबू, सी ऑप्शन में ए एंड बी ठीक, और डी ऑप्शन दे रहा है क्या, कोई नहीं, कोई नहीं, क्या होगा सही ठीक है। तो पहला तो ये हम लोग हमने पढ़ा है अभी, सबको चेक कर देते बारी बारी, तो वन बाई सेक तो सही है ठीक, ए और बी दोनों दे रहा है इसलिए हम दूसरा को भी चेक करके देख लेते हैं। तो cot थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है यार अपना, cot थीटा क्या दे रहा है आपको कि cot थीटा इंटू साइन थीटा, तो बताइए बाबू cot थीटा बराबर जो होता है वो cos के रूप में एक फॉर्मूला होता है, जो होता है वो cos थीटा बटा में साइन थीटा, यार अपना cot थीटा जो होता है वो क्या होता है cos बटा में साइन, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि tan थीटा बराबर जो होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में cos थीटा होता है ना, तो मतलब cot जो होगा जस्ट उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, cos बटा में sin, ये पलटेगा ना ऊपर नीचे ठीक, और इनको क्या हो जाएगा ये sin थीटा, तो sin थीटा कैंसिल, तो क्या बच रहा है cos, तो बताओ cos बराबर cos नहीं हो सकता है, cos थीटा बराबर cos थीटा, ये भी हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा फार्मूला ठीक, इसलिए आपका ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, इसलिए आपको यहां पे ये क्या दिया है a और b दोनों दिया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो c होगा, क्या होगा ठीक है, क्योंकि यहां से sin से sin कट जा रहा है, तो cos थीटा बराबर cos थीटा ये तो है ही ऑलरेडी ठीक, और उसके बाद क्या रहा आपका वन बटा में सेक, मैंने अभी बताया था आपको कि cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर क्या होता है वन, तो sec थीटा को इधर भेज देंगे तो वन बाई sec थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा चलो नेक्स्ट क्या है बाबू आप लोग बताइएगा इसका जवाब दीजिएगा ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा क्या है अंडर रूट, अभी बताया मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है a बराबर साइन स्क्वायर थीटा, बी ऑप्शन आपके पास साइन थीटा, सी ऑप्शन आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा ठीक, और डी ऑप्शन जो है आपके पास दे रहा है कॉस थीटा, क्या होगा सही, हाँ इसमें बताना आपको सही आंसर क्या होगा बी नंबर ना, तो बी नंबर क्या होगा सही होगा, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था ना आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो आपसे क्या होगा देखो इधर sin स्क्वायर थीटा क्या पूछ रहा है आपको, ये 1 माइनस में ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या कर सकते हो आप लोग cos स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर उधर चला जाएगा 2 भी ठीक है, ये क्या हो जाएगा बाबू sin थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, बताइए यही ना आपसे पूछा जा रहा है, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर क्या होगा सही, दिक्कत तो आज हम लोग क्या त्रिकोणमिति तक सारे फॉर्मूले के हम लोग देख चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे इसके आगे जो चैप्टर है।